सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आज बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने क्या पता किया है कभी या कभी आपको जानने मिला या कभी पढ़ने में आया कि ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनको आप खा सकते हैं या जिन्हें खाया जाता है और जिन्हें रेगुलर यूज में उपयोग किया जाता है, रेगुलर यूज किया जाता है और इनका नाम है प्रोबायोटिक्स। ये ना ही एंटीबायोटिक्स हैं, ना ही प्रीबायोटिक, ना ही सिनबायोटिक। शायद आपने ऐसे कुछ नाम सुने होंगे जो ऐसे बैक्टीरिया जिसको आप खाते हैं और जो आपके दोस्त हैं, ये दुश्मन नहीं है और ये आपको रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। आपको किसी भी तरह का रोग हो रहा है, इनकी संख्या को आपके इंटेस्टाइन में, आपके इंटेस्टिनल फ्लोरा में, बैक्टीरियल फ्लोरा में बढ़ा दिया जाता है और जैसे ही ये आपकी बॉडी में जाते हैं वैसे ही आपको बीमारी से बचाते हैं। जिस भी बीमारी के लिए इनको पर्टिकुलरली दिया जाता है ये आपको उस बीमारी से रक्षा करते हैं। मतलब ये तथ्य तो बिल्कुल गलत हो गया कि बैक्टीरिया हमारे दुश्मन ही है। अच्छा चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। जब पुराने जमाने में आपको लूज मोशन होती थी तो लूज मोशन के समय, पतली दस्त के समय आपकी दादी या आपकी नानी या आपकी मम्मी आपको दही खाने बोलती थी या आपको दही में कुछ शक्कर या कुछ भी गुड़ इस तरह का कुछ मीठा डाल के, और ज्यादातर मैंने गुड़ देखा था तो गुड़ और या शहद आपको या दही और शहद मिक्स करके खिलाते थे। आपको पता है क्यों? क्योंकि यही था उस जमाने का प्रोबायोटिक। ये प्रोबायोटिक जिसमें जो नेचुरली हमारे घर में रहता था इसमें थे लाइव बैक्टीरिया। इस लाइव बैक्टीरिया को हम बोलते थे लैक्टोबैसिलस। हमने साइंस के किताबों में भी पढ़ा है कि दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। हम दूध पीते थे और उल्टी करते थे, खट्टी खट्टी वाली, और जिसमें दही जैसा सब्सटेंस निकलता था। ये ही काम करता है लैक्टोबैसिलस। और ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो लैक्टोबैसिलस की तरह ही हमारे शरीर में हमारे दोस्त का काम करते हैं और हमें बहुत सारी बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इस YouTube चैनल में के माध्यम से प्रोबायोटिक्स पे। प्रोबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिकल साइंस में एक अहम रोल अदा करते हैं बीमारियों के इलाज में। प्रोबायोटिक्स क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या कौन कौन से इलाज किए जाते हैं, प्रोबायोटिक्स को किन किन इलाजों में दिया जाता है, सब जानते हैं। और आपने एक बार और देखा होगा कि जब भी लूज मोशन होते हैं डॉक्टर साहब आपको एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं तो उसके बाद आपको एक पैकेट दिया जाता है छोटा सा, इतना बड़ा, उसमें कुछ पाउडर सा होता है। आपको बोला जाता है कि ये पाउडर दिन में दो बार या तीन बार, आपकी लूज मोशन ज्यादा हो तो तीन बार लेना नहीं तो दो ही बार लेना। एक पाउडर आपने पानी में डाला और पी गए, कोई टेस्ट नहीं होता, बड़ा अजीब सा टेस्ट होता है और आप उसको जैसे राख होती थी ना, राख जैसा टेस्ट, वैसा ही कुछ टेस्ट होता है और आप उसको खा लेते हैं और लगभग शाम तक आपकी लूज मोशन पे कंट्रोल आ जाता है। ये जो दवाई है प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइव बैक्टीरिया डेट आर इंटेंडेड टू हैव हेल्थ बेनिफिट्स। जब भी आप इसे कंज्यूम करते हैं या आपकी बॉडी में अप्लाई करते हैं तो ये आपको हेल्थ बेनिफिट ही देते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे कैन बी फाउंड इन योगर्ट, दे कैन बी फाउंड इन एनी काइंड ऑफ फर्मेंटेड फूड। जो भी आपने फर्मेंटेड खाना खाते हैं, जैसे फर्मेंटेड भोजन मतलब जैसे आपने इडली बनाया तो सुबह रात में भिगो दिया और सुबह हम इडली बनाते हैं, खमीर उड़ जाता है, तो खमीर उठने वाले जितने भी प्रोडक्ट आपने खाए उसमें यही बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दोस्त हैं। तो ये फर्मेंटेड फूड में है, डाइटरी सप्लीमेंट में भी आजकल मिलते हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आने लग गए हैं आजकल। तो प्रोबायोटिक्स बहुत जरूरी है। ऑल्दो पीपल ऑफन थिंक ऑफ बैक्टीरिया,
ज्यादातर लोग बैक्टीरिया के बारे में सोचते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचते हैं कि भाई ये हार्मफुल है, ये जर्म्स हैं, ये जर्म्स हमारे किसी काम के नहीं, पर ये वाले जो जर्म्स हैं ये हमारे दोस्त हैं। मैनी आर देम आर एक्चुअली हेल्पफुल, सम बैक्टीरियाज हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, कुछ हमें बड़ी बीमारियों को से बचाते हैं, डिस्ट्रॉइंग डिसीजेस से बचाते हैं, कुछ हमें डाइजेशन से के लिए जरूरी है, कुछ वाइटामिन प्रोड्यूस करते हैं। मेनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स आर द सेम एज और सिमिलर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट नेचुरली लिव इन आवर बॉडी। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको जिस भाषा में आसानी हो आप उस भाषा में समझ सकते हैं। नेचुरली हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं को प्रोबायोटिक्स के रूप में यूज किया जाता है, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं इन्हीं की लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, और इन्हें अलग अलग बीमारियों में उपयोग किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर इन प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स में कौन कौन से तरह के बैक्टीरिया होते हैं? तो प्रोबायोटिक्स में जो वेराइटी है वो बहुत ज्यादा है। द मोस्ट कॉमन आर बैक्टीरिया दैट बिलोंग्स टू ग्रुप कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ग्रुप के बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होते हैं, और बाइफिडोबैक्टीरियम जिनमें दो प्रकार दो फ्लैजिला होती है, तो बाइफिडोबैक्टीरियम भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम दो प्रकार के बैक्टीरिया की सीरीज है जो मैक्सिमम तौर पर यूज होती है और इनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है। कुछ और भी बैक्टीरिया हैं जो प्रोबायोटिक्स में यूज होते हैं, और कुछ यीस्ट भी होते हैं जिसमें सैक्रोमाइसिस सीरीज जो है, जिसमें सैक्रोमाइसिस बाउलडेडी, सैक्रोमाइसिस बाउलडेडी BOULARDI, तो सैक्रोमाइसिस सीरीज के यीस्ट भी कुछ हैं जो उपयोग होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो यूज होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियास, लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम। अब डिफरेंट टाइप के प्रोबायोटिक्स हैं, उनके डिफरेंट इफेक्ट हैं। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक तरह के प्रोबायोटिक्स हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस जो आपको बीमारी से बचाते हैं, दैट डजंट नेसेसरली मीन दैट अनदर काइंड ऑफ लैक्टोबैसिलस और एनी ऑफ द बाइफिडोबैक्टीरियम प्रोबायोटिक्स वुड डू द सेम थिंग। मतलब एक ही तरह का प्रोबायोटिक लैक्टोबैसिलस का है तो वो वैसा ही लैक्टोबैसिलस सीरीज का दूसरा प्रोबायोटिक भी सेम काम करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो दूसरी चीजों में काम कर सकता है। मतलब लैक्टोबैसिलस का एक प्रजाति लैक्टोबैसिलस की दूसरी प्रजाति के काम से भिन्न हो सकती है, अलग हो सकती है और होती ही है। क्या प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक जैसे ही है? ये एक नया शब्द आया भाई, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक के जैसे नहीं होते। प्रीबायोटिक्स नॉन डाइजेस्टिबल फूड होते हैं दैट सिलेक्टिवली स्टिमुलेट्स द ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ डिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऐसे भोजन आपने दे दिया जो कि नॉन डाइजेस्टेबल है, जिसको डाइजेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन जो प्रोबायोटिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, उनकी एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है, उन्हें बोलते हैं प्रीबायोटिक्स। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इस बारे में भी हम एक बार किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे ही सिम्बायोटिक्स भी होते हैं जो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है, इनको कंबाइन कर दिया जाए तो सिम्बायोटिक हो जाए, दोनों को मिला के एक साथ दे दो तो सिम्बायोटिक हो गया। अब ये काम क्या करते हैं, कितने पॉपुलर हैं? तो भाई ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। एक बार तो यूएस में स्टडी हुई थी, लगभग 1.6% पीपल में, मतलब 4 मिलियन पीपल में स्टडी हुई थी, और उनमें 30 दिनों में इन्होंने जो कंजम्पशन था वो बहुत ज्यादा कंजम्पशन था। एक स्टडी हुई थी, डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में विटामिन और मिनरल्स के रूप में जैसा लेते हैं लोग, तो प्रीबायोटिक्स जो है उनको भी बहुत, प्रोबायोटिक्स भी है उनको भी बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं लोग, और ये थर्ड नंबर पे है विटामिन मिनरल्स और प्रोबायोटिक्स लेने में। हमारे यहाँ चलन कम है, लेकिन फिर भी लगभग हर बार लूज मोशंस के केस या बच्चों के डायरिया के केसेस में स्पेशली आपने देखा होगा एक छोटा सा पैकेट आपको दिया जाता है पाउडर, जो आपने घोल के पीना होता है, ये प्रोबायोटिक ही होता है। यदि आपने आज तक ये जानकारी नहीं ली है तो आज इस जानकारी लीजिए और खूब शेयर कीजिए उन लोगों तक जो डायरेक्टली फटाक से सबसे पहले लूज मोशन होती है या कोई भी तकलीफ होती है तो पहले मेडिसिन खाते हैं। ना, सबसे पहले पेट गड़बड़ है तो प्रोबायोटिक्स पे जाइए,
प्रोबायोटिक्स आपको एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत महसूस नहीं होने देंगे। हाउ माइट प्रोबायोटिक्स वर्क, प्रोबायोटिक्स क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। प्रोबायोटिक्स माइट हेल्प योर बॉडी मेंटेन अ हेल्दी कम्युनिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। आपकी बॉडी में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं उनकी हेल्दी कम्युनिटी को बनाते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसे डिजायरेबल इफेक्ट ताकि आपकी बॉडी में बीमारी से बचने के लिए मदद मिल जाए, इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए। ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को। ये कैसे बनाए जाते हैं या इसका क्या रेगुलेशंस होता है, तो ज्यादातर ड्रग डिपार्टमेंट जो होते हैं ये इनका अप्रूवल देते हैं। यूएस वगैरह में तो यूएस एफडीए है, हमारे यहां भी अप्रूवल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से होता है। और आपने शायद एक शब्द सुना होगा माइक्रोबायोम, यदि नहीं सुना होगा या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो वो उन्होंने सुना होगा कि एक कम्युनिटी है माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो हमारी बॉडी में रहती है। हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सभी बैक्टीरिया जो है उस पर एक रिसर्च चल रही है और ये कहलाता है ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट, जिसको सपोर्ट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने NIH। 2007 से लेकर 2016 तक का ये प्रोजेक्ट चला। इसने एक की रोल प्ले अदा किया, इसने रिसर्च में बताया कि आपकी बॉडी में कितने प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस फंगसेस वगैरह आपकी बॉडी में रहते हैं और उनका क्या योगदान है। एक बार हम माइक्रोबायोम पे भी वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत स्टडी का विषय है, तो इसमें भी हम आपको चर्चा करके बताएंगे कि आपकी बॉडी में कितना माइक्रोबायोम है, आपकी बॉडी में कितने बैक्टीरिया हैं और कितने वैरायटी के हैं और इनकी टोटल नंबर कितनी है। इसको मोटा मोटा जान लीजिए कि यदि 200 पाउंड की आपकी बॉडी है तो आपकी बॉडी में 7 से 8 पाउंड, एक पाउंड में 456 ग्राम होते हैं लगभग, तो 200 पाउंड की यदि बॉडी है आपकी, मतलब 80-85 किलो के आप हैं, तो करीब 4-4.5 केजी के आसपास आपकी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगसेस ये सब हैं। तो इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। इफेक्टिवनेस क्या है और किन किन बीमारियों में सबसे ज्यादा इनका यूज होता है, इस वीडियो को बड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत सारी बीमारी है, मैं नाम गिनाता हूं आपको, एंटीबायोटिक की एसोसिएट जितनी भी बीमारियां होती है, जैसे डायरिया। मैं आपको पेट की बीमारी सबसे पहले बताता हूं कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया यदि आपको हो रहा है तो आपको प्रोबायोटिक देने में बहुत फायदा होगा। क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से यदि आपको पेट में तकलीफ आ रही है, ये डायग्नोज हुआ है, तो प्रोबायोटिक यूज होता है। कब्जियत यदि आपको है, कॉन्स्टिपेशन यदि आप है, आप प्रोबायोटिक लीजिए, आप कब्जियत वाली दवाई ना लीजिए, केवल प्रोबायोटिक लेंगे आप ठीक हो जाएंगे। डायरिया कैंसर के मरीज हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और उन्हें डायरिया, लूज मोशन होता है, तो प्रोबायोटिक्स बहुत ज्यादा मात्रा में दी जाती है। डायवर्टिकुलर डिसीजेस है, यदि आपके बड़ी आंत में इंफेक्शन है, क्रोन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या डायवर्टिकुलाइटिस टाइप की कोई बीमारी है तो आपको प्रोबायोटिक बहुत दिया जाता है। मतलब पेट की बीमारियों में तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोबायोटिक्स यूज होते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, जैसे मैंने बताया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज, इनमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है प्रोबायोटिक। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस आपने बहुत सुना होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स को भी प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है, वो लेते हैं, ले सकते हैं। ट्रैवलर्स डायरिया, आप यदि बाहर घूमने जाते हैं, आप बीमार हो गए, आपको लूज मोशन हुआ या उस समय हो गया, या आप जब वापस आए तो आपको लूज मोशन हो गया, तब भी आपको प्रोबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए जानना कि प्रोबायोटिक्स कब प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। बच्चों में भी बीमारियां होती है तो इन्फेंट कोलिक, आपको आपके बच्चों के यदि पेट दर्द हुआ हो कभी तो आपने भी पाउडर पिलाया होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि छोटा सा पाउडर आपको मिलता है। इंटरोकोलाइटिस हो जाए, आंतों में इंफेक्शन हो जाए, नेक्रोटाइजिंग इंटरोकोलाइटिस की कंडीशन में हो या सेप्सिस के केस हो, बैक्टीरियल इंफेक्शन बहुत ज्यादा हो गया हो बॉडी में, तो ये किया दिया जाता है। दांत के डॉक्टर, डेंटिस्ट जो है वो भी बहुत यूज करते हैं डेंटल कैरीज में, यदि टूथ डिके हो रहा है, दांत सड़ रहे हैं तो भी ये बहुत यूज करते हैं। पेरिओडोंटल डिसीजेस यानी गम डिसीज, गम सड़ रहे हैं, मसूड़े सड़ रहे हैं, उसमें भी आपके प्रोबायोटिक बहुत यूज होते हैं। कुछ एलर्जिक कंडीशंस आती हैं, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस है या हे फीवर हो, जिसको बोलते हैं, जो सितंबर अक्टूबर के आसपास या अगस्त के आसपास स्पेशली मिलता है पोलन ग्रेन्स की वजह से, परागण की क्रिया जब होती है, तो एलर्जिक राइनाइटिस, स्नीचिंग बहुत होती है, छींके बहुत आती है, तो भी
प्रोबायोटिक्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं और ये बहुत सेफ होते हैं। अस्थमा के पेशेंट्स को भी प्रोबायोटिक यूज किया जाता है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस के खिलाफ। अब अस्थमा का रिलेशन कैसे आप इससे बनाएंगे तो उसके बारे में हम एक आध बार चर्चा करेंगे आपको और फिर बताएंगे। एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, आपको स्किन में खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो भी आपको प्रोबायोटिक दिए जाते हैं। ये माना जाता है कि किसी तरह के ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा होगा तो आपको रिलीफ होता है। प्रिवेंशन ऑफ एलर्जीज के लिए भी, किसी भी तरह के एलर्जीज आपको हो रही है तो प्रोबायोटिक यूज किया जाता है। अब सोचिए कि कहां दही और कहां इस तरह की बीमारियां केवल दही ही नहीं और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रोबायोटिक्स का यूज किया जाता है और प्रोबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी में बीमारियों से बचाव के लिए, बीमारियों को रोकने के लिए और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। यदि आप सोचें कि आपको मुहासे हुए और आपके डॉक्टर ने आपको प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब किया है तो ये एक अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है और इसका डायरेक्ट रिलेशन है। यदि आपको हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो जाए, मतलब आपके लीवर में इतना ज्यादा आपके लीवर के पिगमेंट बढ़ जाए, बिलरूबिन का लेवल बढ़ जाए, बाइल का लेवल ब्लड में बढ़ जाए, तो इंसेफेलोपैथी आपको आप बीमार हो जाएंगे, आप कोमा में जा सकते हैं, आपको आपका ब्रेन ठीक से काम ना करे, तो दैट इज हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ती है, उसमें भी आपको प्रोबायोटिक यूज होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आपको फेफड़े में इन्फेक्शन हो रहा है, ऊपर की तरफ थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा है, आपको प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है। यूटीआई के केस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है, पेशाब की नली में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है क्योंकि पेशाब की नली छोटी होती है, तो भी प्रोबायोटिक बहुत यूज प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्या प्रोबायोटिक हार्मफुल है? प्रोबायोटिक हार्मफुल नहीं है, इतने सालों से यूज हो रहे हैं, हिस्ट्री में देखा गया है, हर व्यक्ति को प्रिस्क्राइब किए गए हैं और किसी भी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट इनका नहीं दिखा है और ये बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। पॉसिबल हार्मफुल इफेक्ट यदि हो तो प्रोबायोटिक का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है वो बहुत सोच समझ के दिया जाता है, तो इस वजह से हार्मफुल इफेक्ट अभी तक देखने को तो नहीं मिला है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यूज होने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो थोड़े से हार्मफुल हो जाते हैं यदि वो आपने अपने डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में नहीं लिया है। यदि आप डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्या क्या बातें हैं जो आपको प्रोबायोटिक के बारे में जानना है? यदि आप जानना चाहते हैं और भी इसके बारे में डिटेल चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के अंत में, पूरा अंत तक वीडियो देखिए और वीडियो के अंत में हमें जरूर बताइएगा कि आप क्या क्या बातें हैं जो प्रोबायोटिक को लेकर जानना चाहते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ सीखने मिला या नहीं मिला, क्या क्या बातें आपको सीखने मिली, मेडिकल साइंस की नई बातें, मेडिकल साइंस में बहुत कॉमनली चलने वाली बातें, रिसर्च आर्टिकल, पब्लिकेशंस, जर्नल्स, और मैं आपको बताऊं आपको इन सभी तरह की न्यूज़ेस भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आप हमें सजेशन देकर जरूर बताएं कि आपने इस बार इस वीडियो में क्या पाया और क्या समझ में आया आपको, ताकि हम आगे जाकर इसी तरह के वीडियोस आपके लिए मेडिकल साइंस के अपडेट्स लेकर आए। वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ही जरूरी नहीं है, उसके बाद एक बेल का आइकॉन है, घंटी आपको बजानी पड़ेगी ताकि अगली बार जब भी वीडियोस अपलोड हुए तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और हम लगभग हर दिन कोशिश करते हैं, सुबह लाइव होते हैं तो सुबह 10 से 11 के बीच में, तो उस दौरान आपको भी वो लाइव नोटिफिकेशन मिल पाए, इसलिए बेल आइकॉन को हिट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा यदि आप केयर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।